दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे LNS वर्सेस यहाँ से BPH यानी कि लंदन स्पिरिट वर्सेस बर्मिंगम के बीच होने वाले 100 मैच मैच के बारे में। सबसे पहले रिस्की प्लेयर की बात करूँ तो मेरा यहाँ से बॉलिंग ऑप्शन में रहेगा जिसका नाम है सी वुड। बहुत कम लोग इसको लेकर के चल रहे हैं जो कि आपको 3 से 4 ओवर बॉलिंग पूरा करेगा। लंदन स्पिरिट की टीम कोर से आखिरी के मैचेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी करके आया हुआ है। देख सकते हो पहले मैच में फ्लॉप हुआ, दूसरे मैच इसको बॉलिंग से 1 विकेट मिला हुआ, तीसरा चौथे मैच प्लेइंग 11 में खिलाया नहीं गया और फिर से 5वें मैच इसको 1 विकेट मिला और 6वें मैच फिर से इसको 4 विकेट मिल गया और आखिरी मैच फ्लॉप हुआ है। तो मुझे लगता है इस मैच में मिनिमम इसको 1 विकेट मिलेगा ही मिलेगा, तो लेकर के जरूर चलने वाला हूँ। उसके बाद केन रिचर्डसन को लूंगा। मैं आपको कहूँगा चाहे आप ग्रैंड लीग टीम बना रहे हो या फिर स्मॉल लीग टीम बना रहे हो, आपके लिए KBC के लिए भी एक अच्छा प्लेयर रहेगा, खासतौर पर तब जब बर्मिंगम की टीम पहले बॉलिंग कर रही होगा। बर्मिंगम की टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो केन रिचर्डसन जो कि ऑस्ट्रेलियन आपको फास्ट बॉलर देखने को मिलेगा, बड़े बड़े लेवल के ऊपर इसके पास एक्सपीरियंस लेवल है, तो आपके लिए जरूरी बॉलर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से लेकर के चलूंगा जिसका नाम टी हेल्म जो कि सीजन का मोस्ट विकेट टेकर में इसका नाम चल रहा है और इस सीजन में हर मैच के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करके दे रहा है, आपको 4 ओवर बॉलिंग पूरा करेगा। बर्मिंगम की टीम का इस समय का सबसे मेन बॉलर्स में से एक है, कोई भी ऐसा मैच नहीं गया जहां पर इसको 1 विकेट ना मिला हो, तो आपके लिए शानदार बॉलिंग ऑप्शन रहने वाले ये तीनों। अब अगर आप ग्रैंड लीग टीम बना रहे हो, लाखों लोगों के बीच में खेल रहे हो, तो आप चाहो तो यहाँ से नाथन एलिस जो कि एक आपको बॉलर देखो मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया का बॉलर है, काफी अच्छा बॉलर है। जब इसने पहला मैच खेला वहां पर इसको 3 विकेट मिले लेकिन उसके बाद के बचे हुए 3 और सभी मैचेस के अंदर फ्लॉप गया हुआ है, तो आप चाहो तो लेकर के चल सकते हो क्योंकि आखिरी मैच इसने बॉलिंग से 1 विकेट लिया हुआ है। बाकी मैं लेकर के नहीं चल रहा हूं, मैं अपना जो रिस्क है और दूसरे प्लेयर्स के ऊपर लूंगा, जैसे कि रूनिंग ऑप्शन में भी मैं अपना एक रिस्क लूंगा। उसके आगे बात करूंगा, आपको एक चीज बता दूं, अगर आप ग्रैंड लीग में जीतना चाहते हो या फिर स्मॉल लीग में परफेक्ट टीम बनाना चाहते हो या फिर आप इस मैच का पिच रिपोर्ट जानना चाहते हो, प्लेइंग 11 प्लेयर्स बदल सभी चीजों के ऊपर वन बाय वन बात करूंगा। तो बस आप चैनल के ऊपर नए आए हो, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी मैच की टॉस हो जाने का, लाइनअप आ जाने का, तो आखिरी के 5 मिनट में हमारी 5 टीम से जिससे मैं खुद इस मैच के अंदर पैसे लगाने वाला, तो फिर आपको हमारे टेलीग्राम सर्कल ज्वाइन होना पड़ेगा जहां पे ज्वाइन होना आपके लिए एकदम फ्री है। हमारे टेलीग्राम सर्कल लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा, ना मिले तो आप सीधे सीधे कमेंट सेक्शन बॉक्स से आना, सबसे पहला जो आपको कमेंट देखने को मिलेगा उसमें आपको हमारे टेलीग्राम सर्कल लिंक देखने को मिल जाएगा। वहां भी ना मिले तो आप सीधे सीधे टेलीग्राम ऐप को जाकर के सर्च मार सकते हो @RVDChampion। आप जैसे ही सर्च मारोगे @RVDChampion आपको सबसे ऊपर हमारे टेलीग्राम सर्कल लिंक देखो मिल जाएगा, वहीं पे ज्वाइन कर लेना। वहीं पे मैं अपने 11 प्लेयर पूरे KBC सभी चीजें तोस हो जाने का, लाइनअप पास जाने का सबसे पहले शेयर कर दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सी टीम मैच जीत सकती है। यकीन मानो अगर आपका ये प्रेडिक्शन सही हो तो 70% कॉन्टेस्ट आप ऐसे ही वॉन कर सकते हो। लंदन स्पिरिट की टीम ने आखिरी जो अपने 5 मैचेस खेले हैं उसमें से 3 मैचेस जीत करके आ रही है, 2 मैचेस हार करके आ रही है, आखिरी मैच अपना बुरी तरीके से हार करके आ रही है। सेम वही बर्मिंगम के भी आखिरी के 5 में से 3 मैचेस जीत करके आ रही है, 2 मैचेस हार करके आ रही है और अपना आखिरी मैच जो है बुरी तरीके से हार करके आ रही है। तो ये चीज को फोकस करना है, दोनों टीमें अपने आखिरी मैचेस हार करके आ रही है। मुझे लगता है कि इस मैच में कहीं ना कहीं बर्मिंगम की टीम जीत सकते हैं क्योंकि मोइन अली जैसा प्लेयर है इनके साथ जो कि इस समय मोइन अली बर्मिंगम की टीम को कैपेसिव कर रहा है, बल्लेबाजी में भी तीसरे पे आ रहा है, प्लस आपको बॉलिंग से भी 1 से 2 ओवर बॉलिंग करके दे सकता है। शुरू के मैचेस में ज्यादा अच्छी बॉलिंग करके दे रहा था, आखिरी मैच फ्लॉप भी हुआ है, उससे पहले के मैचेस में काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी करके आया हुआ है। इससे पहले एक मैच फ्लॉप हुआ था तो देख सकते हो उसका अगले ही मैच 112 पॉइंट्स दिला के क्या हुआ है। तो आपको कहूंगा KBC के लिए नंबर 1 प्लेयर रहेगा चाहे वो आप स्मॉल लीग टीम बना रहे हो या फिर ग्रैंड लीग टीम बना रहे हो। आगे के प्लेयर्स की बात करूंगा, पहले बात कर लेते हैं इस मैच के पिच रिपोर्ट के बारे में जो कि ग्रैंड लीग के यूजर्स के लिए बहुत जरूरी है। जो मैच होने लगा ये आपको लंदन के लॉर्ड्स के मैदान के ऊपर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको आखिरी के 5 मैचेस में लगभग 143 रन का एवरेज स्कोर देखने को मिला हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं रन तो बन सकते हैं लेकिन हाँ यहाँ पे बॉलर्स को भी अच्छा खासा मदद मिलेगा, तो बॉलर्स के ऊपर आपको अच्छा खासा फोकस करके टीम बनाने की कोशिश करना चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ से जे थॉम्सन के साथ जाऊँगा जिसने कई मैचेस में बल्लेबाजी से परफॉर्मेंस करके दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि बल्लेबाजी करके नहीं दे सकता, कई सीजन ऐसे गए हुआ जहाँ पे इसने बल्लेबाजी में ओपनिंग भी कर रखा है, कई ऐसे सीजन गए हुआ जहाँ पे बल्लेबाजी में 7 नंबर पे आकर के 70 रन के करीब की पारी खेल के दिया हुआ है, तो ये चीज़ को आप फोकस करके चलना है। प्लस आपको बॉलिंग से भी 3 से 4 ओवर बॉलिंग पूरा करके देगा, बल्लेबाजी में कहाँ पे आ रहा है 7 नंबर करीब आ रहा है, बॉलिंग से 3 से 4 ओवर पूरा कर रहा है, आपके लिए जरूरी प्लेयर बन जाएगा। उसका बैनी होवेल के साथ जाऊंगा जो कि आपको मीडियम फास्ट बॉलर देखने को मिलेगा, आपको बॉलिंग से 3 से 4 ओवर बॉलिंग पूरे करेगा और हाल ही में 3 दिन अबूधाबी सभी जगह अच्छा परफॉर्मेंस भी करके आया हुआ है और देख सकते हो इस सीजन में भी अच्छा परफॉर्मेंस करके आया हुआ है, लेकिन मैं आपको कहूँगा अपने KBC की चॉइस से दूर रखना। पहला रीजन कि बैनी होवेल लगातार हर मैच के अंदर परफॉर्मेंस करके देगा, इसके चांसेस थोड़े से कम है।
दूसरा रीजन इसका बल्लेबाजी से परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा है नहीं। तीसरा रीजन देखो, पहले मैच है फ्लॉप, दूसरे मैच है प्लेयर से कोई, तीसरे मैच है काफी अच्छा, चौथे मैच में उससे भी अच्छा। अब इसके बाद देखो आखिरी मैच है फ्लॉप, उससे पहले भी फ्लॉप और आखिरी मैच अच्छा करके दिया हो सकता है कि इस मैच एक बार फिर से फ्लॉप होते हुए आपको नजर आ जाए। फ्लॉप होने का मतलब क्या है, एक ही विकेट मिले या फिर एक ही विकेट मिले वहां पे 10 रन बना पाए, यानी कि 50 पॉइंट्स के करीब दिलाने के चांसेस है। मैं आपको केबीसी के बारे में बोलूं तो मुझे लगता है कि नंबर वन चॉइस अभी तक के प्लेयर्स की बात करूं मोइन अली रहेगा, उसके बाद केन रिचर्डसन रहेगा, उसके बाद जेजे थॉमसन रहेंगे। ये तीन प्लेयर्स अभी तक के मुझे लगता है केबीसी के लिए नंबर वन प्लेयर रहेंगे। आगे और प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज कहूंगा, वीडियो टीम में करी इनिशियल टीम है जहां पर मैं आपको एक डेमो टीम बना दूं एक प्लेयर का एनालिसिस बताने के लिए। बाकी अगर आपको इस मैच की हमारी फाइव टीम से जिस टीम से खुद इस मैच के अंदर पैसे लगाने वाला हो तो फिर आपको हमारे टेलीग्राम सर्वर पर ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां पे ज्वाइन होना आपके लिए एकदम फ्री है। हमारे टेलीग्राम सर्वर का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में सबसे ऊपर पिन किया हुआ देखने को मिल जाएगा। ना मिले तो आप सीधे सीधे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ना सबसे पहला जो आपको कमेंट देखने को मिलेगा उसमें आपको हमारे टेलीग्राम सर्वर का लिंक देखने को मिल जाएगा। ना मिले तो आप सीधे सीधे कमेंट करके पूछ लेना, उसका भी रिप्लाई आपको मिल जाएगा। यानी कि टेलीग्राम सर्वर को ज्वाइन होना आपके लिए जितना ही जरूरी है उतना ही आसान भी है, तो ज्वाइन होना मत भूलना। वहीं पर मैं अपने 11 प्लेयर पूरे केबीसी सभी चीजें तो हो जाने का लाइनअप जाने का सबसे पहले शेयर कर दूंगा। बात कर अपने बचे हुए प्लेयर्स की, तो यहाँ से एल डोसन जो कि आपको 2 से 3 ओवर बॉलिंग मिनिमम करके देगा ही देगा, शुरू के मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया हुआ था लेकिन आखिरी के मैचेस में उतना अच्छा करके दे नहीं पाया। 4 मैचेस खेला हुआ है, 4 मैचेस में मिला करके सिर्फ और सिर्फ एक ही विकेट मिला हुआ है, लेकिन शुरू के मैचेस का आप देखोगे तो 3 मैचेस का मिला करके इसको आपने देखा था जहाँ पे 5 विकेट मिल गए थे। तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग करके शुरू के मैचेस में दिया हुआ है। आप चाहो तो अपनी ग्रैंड लीग की 2 से 3 टीमों में लेकर के चल सकते हो, बाकी मैं स्मॉल लीग में लेकर के नहीं चलूंगा। यानी कि ग्रैंड लीग के लिए आप ले देखो कौन कौन सा एम क्रेन इसको आखिरी मैचेस सिर्फ 1 ओवर बॉलिंग मिला, यही रीजन है कि लेकर के चल नहीं रहा हूं। आखिरी के मैचेस में इसको ज्यादा बॉलिंग मिल नहीं रहा। इमरान ताहिर पूरे सीजन में फ्लॉप जा रहा और आखिरी मैच में प्लेइंग 11 में खिलाया भी नहीं गया। बी दोर्सेस जो कि प्लेयर काफी शानदार है, आखिरी मैच में खिलाया गया वहां पे 3 ओवर बॉलिंग भी मिला लेकिन फ्लॉप हुआ है। आप इसको अपनी ग्रैंड लीग की 2 से 3 टीमों में रख करके चल लेना, आपके लिए एक अच्छा प्लेयर रहेगा। इसको आपको भी 2 से 3 ग्रैंड लीग टीम में लेकर के चलना होगा। दूसरा प्लेयर आपके लिए जीएल के लिए रहेगा जिसका नाम नाथन एलिस, निकाल के इसको सकते हो, यहाँ से सी वुड को निकाल करके चल सकते हो, यहाँ से एल डोसन को अपनी 2 से 3 जीएल की टीम में लेकर के चल सकते हो। यहां से बल्लेबाजी ऑप्शन है डी लॉरेंस जो कि आखिरी के मैचेस में 3-3 ओवर बॉलिंग भी करके दे रहा है और एक मैच ऐसा भी क्या हुआ जहां इसने 4 ओवर बॉलिंग करके 4 विकेट बॉलिंग से लिया हुआ है। नाम बल्लेबाजी में बल्लेबाजी से ही काफी शानदार है लेकिन आखिरी के मैचेस में बल्लेबाजी में भी 4 नंबर पे आ रहा है प्लस बॉलिंग से भी 3 से 4 ओवर करके दे रहा है, तो आपके लिए केबीसी के लिए एक ये भी अच्छा ऑप्शन है। लिविंगस्टोन खेलेगा नहीं, दी ड्रम्बेट की बात करो उतना पसंदीदा है भी नहीं, आखिरी के मैचेस में खिला नहीं। दी स्वीट के साथ जाऊंगा जो कि बल्लेबाज में ओपनिंग करेगा, काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बल्लेबाज है, हर मैच के अंदर रन्स बना करके आपको दे सकते हैं, जरूरी प्लेयर रहेगा। यॉन मॉर्गन के साथ जाऊंगा, लंदन स्पिरिट की टीम ओर से केवेसी करेगा। देखो ना ही जॉक राउली को आखिरी के मैचेस में खिलाया गया है और ना ही यहाँ से एम हमन का परफॉर्मेंस उतना अच्छा है तो इसको लेकर के बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। दे बेल को भी आखिरी मैच प्लेइंग 11 में खिलाया नहीं गया, लिविंगस्टोन इस सीजन में आप खेलेगा नहीं, अभी फिलहाल के लिए खेल नहीं रहा है, तो यहाँ से कोई इतना अच्छा ऑप्शन बचा ही नहीं है। आप ले किसको सकते हो, अगर मान लो कि यहाँ से जॉक राउली प्लेइंग 11 में रहे या फिर बी ओलिविया को भी लेकर के चल सकते हो जिसने 1 ओवर बॉलिंग भी कर रखा है, एज अ ऑलराउंडर काफी अच्छा प्लेयर है लेकिन इस सीजन में क्या मिलेगा, कितना बॉलिंग मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा कुछ कंफर्म नहीं है। विकेट कीपिंग सेक्शन रॉसिंगटन हो गया, बेन मैकडरमॉट हो गया, जो सिंगिस हो गया, मैथ्यू वेद हो गया, चारों प्लेयर्स काफी शानदार है। 4 में से 3 प्लेयर्स ने तो बड़े लेवल के ऊपर यानी कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत सारे मैचेस खेल रखे हैं लेकिन इनमें से सबसे अच्छे प्लेयर की बात करूं मुझे लगता है मैकडरमॉट है, नंबर 2 पे जोश इंगिस और नंबर 3 पे रहेगा मैथ्यू वेद। रीजन ये है कि बल्लेबाजी में काफी नीचे आ रहा है, 5वें नंबर पे आ रहा है, यही रीजन है कि इसको लेकर के चलने को नहीं कहूंगा। ये दोनों में से किसी एक को लेकर के चलना है और ए रॉसिंगटन, यानी कि ये तीनों में से आपको किसी 2 प्लेयर को लेकर के चलना है, तीनों ही काफी शानदार है। जोश इंगिस 3रे पे आएगा, मैकडरमॉट और रॉसिंगटन बल्लेबाजी में ओपनिंग करेंगे, तो मैं यहाँ से रॉसिंगटन और मैकडरमॉट को लेकर के चल रहा हूँ। बाकी जोश इंगिस को आपको अपनी ग्रैंड लीग में लेकर के चलना होगा, उसके लिए आप इन दोनों में से किसी एक को प्लेयर को मिस करके चल सकते हो। बात करें तो अपने केबीसी के बारे में जो कि एक स्मॉल लीग टीम के लिए बहुत जरूरी है, उससे पहले मैं आपको एक चीज कहूंगा, आखिरी के 6-7 महीनों से मैं अपना पूरा पैसा जो है सिर्फ 11 चैलेंजेस ऐप को लगा रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा रीजन है फैंटेसी के जितने भी एप्लीकेशन है आपको सबसे ज्यादा लोअर फीस जो 11 चैलेंजेस पे ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर मेरे के अनुसार एक बार आपने 1000 रुपये लगाओ बिना हारी आपको 100 रुपये बचा लोगे, सिर्फ और सिर्फ एंट्री फीस के रूप में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो बिना हारी आपके 1000 रुपये बचा लोगे सिर्फ और सिर्फ एंट्री फीस के रूप में। उसके भी पर्स आपको 4 से 15% भी बोनस के भी पैसों का यूज करने को मिलेगा। 11 चैलेंजेस ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन देखो मिल जाएगा, जो अभी का भी वहाँ से डाउनलोड करके आप मेरे साथ खेलना शुरू कर सकते हो। इस मैच के अंदर मैं भी अपने पूरे पैसे जो 11 चैलेंजेस पे लगाने वाला हूँ, तो आप भी ज्यादा से ज्यादा यहीं पे खेलना, आपको जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। 11 चैलेंजेस ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। मैं अभी तक मैं कैप यहाँ से सोच रहा हूँ
मोइन अली के साथ जाऊँ वीसी यहाँ से, अगर अगर बिर्मिंगम की टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो यहाँ से केन रिचर्डसन के साथ जाऊँगा, बाकी अगर बॉलिंग पहले ना कर रही हो तो आप यहाँ से जे थॉमसन और डी लॉरेंस के साथ जा सकते हो। उम्मीद है दोस्तों एक प्ले का पूरा एनालिसिस बता दिया, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, तो उनका लाइनअप आने का वाई फाई टीम से हो टेलीग्राम सर्कल ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में सबसे पिन किया हुआ देखने को मिल जाएगा।